अपनों की सुरक्षा कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उनके अपने उनके आसपास रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आज सुबह ही मैं खबर देख रहा था और ये सुन रहा था, तमाम टीवी न्यूज़ चैनल बता रहे थे कि अब कोरोना का जो संक्रमण है वो भारत में भी उसी तरह से तेज़ हो गया है, उसी तरह से फैलने लगा है जिस तरह से अमेरिका और इटली में और दूसरे देशों में जिस तेज़ी के साथ वो फैला। अब तक ये हम लोग कहेंगे कि लकी रहे कि उसकी रफ्तार बहुत धीरी, बहुत कम, बहुत मध्यम थी, लेकिन अब जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश में भी पांव पसारने लगा है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम पहले से ज़्यादा सावधान हो जाएं, पहले से ज़्यादा प्रिकॉशंस लें। मैं सलाम करता हूँ उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, मेडिकल स्टाफ को, अपने पुलिस कर्मियों को, देश के सिपाहियों को, मीडिया के मेरे अपने दोस्तों को, जो इस महामारी के दौर में भी, समय में भी, इस ख़तरनाक वायरस के बीच अपनी जिम्मेदारियों और अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे हैं। मेरा सलाम है उनको, उन कोरोना वॉरियर्स को, और गुजारिश है आप सबसे कि ये समय जो हमने क्वारंटाइन रहते हुए लॉकडाउन में या आइसोलेशन में अपने अपने घरों में बिताया, हम बिल्कुल ये ना समझें, बिल्कुल ये ना सोचें कि संकट टल गया, बल्कि हम ये समझें कि संकट का समय अब शुरू हो रहा है और हमें पहले से ज़्यादा सावधान, पहले से ज़्यादा सचेत रहना है। आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और कभी पल भर को, थोड़ी देर को भी किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना हो तो फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, चेहरे पर मास्क लगा कर निकलें, और ख्याल रखें कि किसी से आपको और आपसे किसी को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर आपको संक्रमण होगा तो आपके साथ साथ आपके परिवार के किसी सदस्य को भी संक्रमण हो सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। चलते चलते दो पंक्तियाँ, तीन पंक्तियाँ कोरोना के उन कर्मवीरों के नाम जो इस बड़ी महामारी के वक्त भी, ताकि हम सुरक्षित रहें, वो बाहर हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, उनको सलाम पेश करते हुए एक गीत की कुछ पंक्तियाँ। हर मुश्किल से टकराता हूँ, जो ठान लूँ वो कर जाता हूँ। हर मुश्किल से टकराता हूँ, जो ठान लूँ वो कर जाता हूँ। मैं अपनी पर जब आता हूँ तो वक्त से भी लड़ जाता हूँ। मैं अपनी पर जब आता हूँ तो वक्त से भी लड़ जाता हूँ। बेहद ज़िद्दी इंसान हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ, मैं असली हिंदुस्तान हूँ। ये मुश्किल मुश्किल थोड़ी है, मैंने चट्टान निचोड़ी है। ये मुश्किल मुश्किल थोड़ी है, मैंने चट्टान निचोड़ी है। हर दिक्कत को जीता मैंने, बाधा की बाह मरोड़ी है। मैं साहस का अभियान हूँ, मैं असली हिंदुस्तान हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ, मैं असली हिंदुस्तान हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ। तो सच्चे हिंदुस्तान को, असली हिंदुस्तान को, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के कर्मवीर हैं, उनको सलाम पेश करते हुए आप सब से फिर एक गुजारिश, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।